जेम फ्रेंड्स, कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 का फॉर्म डालने के लिए जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं या जिनको अभी उसका इंतजार है फॉर्म आने का, साथ ही हम आपको बता दें आप सबका डेट क्लियर हो चुका है कब आना है फॉर्म, कब उसका एग्जाम होगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों नया आपका जो एग्जाम तिथि है वो दोस्तों क्या है हम पूरी बताएंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट उसका कब जारी किया जाएगा। साथ ही जैसे कि आप सब एडमिशन भी तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, टेंथ वाले इलेवंथ में, या जो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं वो अपना ग्रेजुएशन या किसी भी डिप्लोमा या दोस्तों किसी भी संस्था में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि आप सबका सबसे पहले फॉर्म के बाद की आपका फॉर्म कब आ रहा है, साथ ही आपका फॉर्म दोस्तों 10 से 12 तारीख को आ जाएगा इसी महीने के दोस्तों, 10 से 12 तारीख को आ जाएगा, साथ ही 10 से 12 मई को आएगा। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि आपको 25 तक ही मौका मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, 25 मई तक, ठीक है। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे 25 मई तक, उसके बाद साथ ही आपका एग्जाम जो है वो 12 जून को कराया जाएगा, ठीक है। 12 जून को आपका पेपर है, क्लियर डेट है, आप सब बिल्कुल तैयारी में अब लग जाओ क्योंकि इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके पास अब दोस्तों केवल एक मंथ का टाइम है, ठीक है। अब साथ ही आपको बता दूं, अब जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनका जब फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, भाई साहब फंस जाओगे दोबारा तो फिर पछताना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, हम आपको क्लियर चीजें बता रहे हैं क्योंकि अधिकारियों से मुझसे बात हो चुकी है भाई, मैंने बात किया उनसे, मुझे पूरी जानकारी अब आपको जो मिला है दोस्तों हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। अब साथ ही आपको बता दूं नया एग्जाम जो डेट होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो आपका नया एग्जाम डेट यही है आपका दोस्तों 12 जून, ठीक है। अब साथ ही एडमिट कार्ड कब आएगा, तो दोस्तों 12 जून को आपका पेपर है, तो दोस्तों 5 से 6 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। अब एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिलेगा किसी भी साइबर कैफे से, आप सब मूल विद्यालय में जाएंगे। आपको साथ ही बता दूं कि आपको मूल विद्यालय ही जाना पड़ेगा क्योंकि जब ऑनलाइन दोस्तों आप सब फॉर्म एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो दोस्तों वहाँ पे स्कूल का दोस्तों वेबसाइट कोड मांगता है, ठीक है दोस्तों, और आईडी मतलब आईडी पासवर्ड मांगता है। तो आईडी पासवर्ड दोस्तों आपके पास नहीं होने के कारण आपको क्या करना होगा, मूल विद्यालय जाना ही पड़ेगा क्योंकि आईडी पासवर्ड तो उन्हीं के पास होता है, विद्यालय के पास ही वो देते नहीं है, आपको वहाँ से निकाल के दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल अपना साइन भी कर देंगे मुहर मार के, तो आपका अटेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो दोस्तों बता दिया मैंने 5 से 6 तारीख को आ जाएगा। फिर एग्जाम कब होगा दोस्तों, तो 12 तारीख को हो जाएगा, 12 जून को, क्लियर डेट है। रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट की इंतजार तो सभी बच्चों को रहेगा, नेक्स्ट अपना एग्जाम भी में, नेक्स्ट अपना दोस्तों क्लास में एडमिशन भी लेना होगा। तो साथ ही आपको बता दूं रिजल्ट जो है आपका जून के लास्ट वीक में दोस्तों जारी कर दिया जाएगा, जून के दोस्तों लास्ट वीक में, ठीक है। आप सब इंतजार करिएगा, लास्ट वीक जून आपका दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बहुत डिले होगा दोस्तों, जुलाई फर्स्ट वीक में जाएगा, अदरवाइज दोस्तों जून के लास्ट वीक में आ जाएगा क्योंकि दोस्तों 20 जून तक विद्यालय खुलेगा। और दोस्तों आप सबके बीच जो भी बच्चे हैं, ठीक है, दोबारा जो विद्यालय अभी बंद हो जाएगा दोस्तों 20 मई तक, ठीक है, तो दोस्तों आपका जून में ही खुलेगा, 20 जून को खुलेगा, एडमिशन शुरू होगा। उसके बाद दोस्तों बच्चे जो हो भी हैं नए, ठीक है, उनका दोस्तों बिल्कुल सभी बच्चों का एडमिशन करना, स्कॉलरशिप तमाम सारे काम रहते हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन का, लेकिन दोस्तों आपका 25 जून तक दोस्तों जारी करने का पूरा दोस्तों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सबका जो भी जो इस बार फॉर्म डालेंगे उनको बता दूं केवल एक सब्जेक्ट में आप डाल सकते हो, यदि दोस्तों एक सब्जेक्ट में आप फेल हो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में, इस एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो दोस्तों तो आपको मौका नहीं मिलेगा। और साथ ही आपके रिजल्ट में भी कंपार्टमेंट यदि लिखा होगा तो बिल्कुल क्लियर है, जो बच्चे मान लीजिए एक दो ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में नहीं लिखा है और एक ही सब्जेक्ट में फेल है, साथ ही ये एब्सेंट है, तो दोस्तों आप बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, परेशान नहीं होना। जो जिनमें ए लिखा होगा, ए लिखा हो या ए लिखा हो या डबल ए लिखा हो, ट्रिपल ए लिखा हो, ये दोस्तों बच्चे डाल सकते हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट, परेशान नहीं होना है। अब साथ ही अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपने सभी मित्रों के बाद जरूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल आप सब अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।